बचपन में काफी सुना था, अगर आप कभी मुंबई जाते हो लाल बाग के दर्शन के लिए तो आपको लाइन में खड़े होने के लिए लगभग 7 से 8 घंटे खड़ा होना पड़ता है। तो सच में 7 से 8 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता है नहीं, ये देखने के लिए हम आ पहुंचे सपनों की नगरी मुंबई। तो पहले दिन हम निकल पड़ते हैं लाल बाग के लिए। काफी एक्साइटमेंट भी हो रही थी, ये हमारा लाल बाग का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होने वाला था। और कुछ वक्त के बाद हम लालबाग तो आ जाते हैं, लेकिन बाहर ही इतनी भारी भीड़ दिखती है, तो तभी मैं समझ जाता हूँ, हाँ सच में लोग 7 से 8 घंटे लाइन में खड़े होते लालबाग के दर्शन के लिए। इतनी सारी भीड़ देखने के बाद फिर मैं अंदर जाने का कोई इजी रास्ता ढूंढता हूँ, जिसकी वजह से मैं अंदर जल्दी जा सकूँ। और तभी मुझे एक ऐसी जगह दिखती है जहाँ इतनी भयंकर सी भीड़ होती है। फिर मुझे ऐसा पता चलता है कि एक ऐसा भी रास्ता है जिसकी वजह से तुम अंदर सिर्फ 1 घंटे में जा सकते हो, और इसी लालच में आकर मैं यहाँ फंस जाता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाता हूँ, लेकिन हाँ सच में मैं 1 घंटे में अंदर चले जाता हूँ। और फाइनली लालबाग का राजा देख ही लेता हूँ। अगले दिन हम फिर से लालबाग आ जाते विसर्जन के लिए। श्रद्धा का मतलब किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास रखना, और ऐसे ही अटूट विश्वास के साथ बच्चे बूढ़े हर वर्ग के लोग इसी आस में खड़े थे कि उनको बस एक बार गणेश जी के दर्शन हो जाए। कोई मन ही मन गणेश जी के बारे में सोच रहा था, तो कोई अपने हाथों से भक्ति जाहिर कर रहा था, तो कोई अपने आंसू पर काबू नहीं कर पा रहा था। कहते हैं लालबाग के राजा को बड़े श्रद्धा और आनंद के साथ बाहर निकाला जाता है। गणेश जी आए या जाए, लेकिन बिना किसी आनंद के, बिना किसी नाच गाने के, वो खाली खाली सा ही लगता है। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। hey! तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है।
विसर्जन यानी अलविदा, हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ वक्त के लिए। लेकिन वो कुछ वक्त भी किसी को अच्छा नहीं लगता। कैसे 10 दिन बीत जाते और कैसे नहीं, हंसी खुशी से भरे वो 10 दिन। एक जगह हंसी खुशी से गणेश जी को अलविदा करने का वक्त है, तो एक जगह गणेश जी को अलविदा करके बुरा हाल है। यहाँ आपको काफी सारे इमोशंस मिलेंगे, जिसमें से हमने कुछ कैद करके इस वीडियो में डाले। ये हमारा फर्स्ट टाइम था मुंबई के गणेश विसर्जन का, और यहाँ तक आए हो तो थोड़ा प्यार ज़रूर देके जाना, ज़्यादा कुछ नहीं। बस ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने 5 दोस्तों के साथ हमारा ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना।